चिराग बेटा ओपन द डोर, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। मुझे अकेले नींद नहीं आ रही है, आप आओ ना मुझे सुलाने। तुम अंदर अपने कमरे में जाओ, मैं अभी आती। आप नहीं, काम्या मैम। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो उसके साथ क्या करना चाहिए? से सबक सिखाना चाहिए। शनायका की गंदी भी है और झूठी भी, अब मैं भी उन्हें सबक सिखाऊंगा। टिट फॉर टैट। आज तो मुझे 3 बजे उठना ही होगा क्योंकि आज काम्या भी यहाँ है। कहीं ऐसा ना हो कि शैतानी शक्तियों के प्रभाव में चिराग कुछ ऐसा कर दे जो उसे नहीं करना चाहिए। से सबक सिखाना चाहिए, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। फटाक। अल्पेश अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहां चले गए। इस घर में नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है इस मौसम में। मोबाइल भी ऑफ है, पानी ऐसे तूफान में कहाँ चले। इतनी भी क्या नाराजगी, कौन है वहां? आप सोए नहीं? आपको भी नींद नहीं आ रही है? अब वो मैं सिर्फ पानी लेने के लिए नीचे आया था। मुझे अभी वहां से कोई आवाज सुनाई दी थी, आपने भी सुनी? नहीं, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। मैंने शायद ऐसी बहुत देर हो चुकी है, आप सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट।
संभल के हल्की सी टक्कर से लड़खड़ा गए, कहीं गिर जाते तो? नहीं गिरता, बहुत पावरफुल हूँ मैं, बहुत शक्ति है मुझ में। पावरफुल तो मैं भी हूँ, पर मुझसे ज्यादा नहीं। अब ये फैसला तो मुकाबला होने के बाद ही पता चलेगा। दिखाओ जरा, मैं भी देखूं तुम्हारी शक्ति। वही जो साया बनकर इतने दिनों तक तुम्हारे आसपास रहे, पर फिर भी तुम मुझे पहचान नहीं पाए। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी रक्षक बनकर तुम्हारी मदद करने आई हूँ, ताकि तुम वो हर चीज करने में कामयाब हो सको जिसके लिए तुमने इस धरती पर और इस घर में जन्म लिया है। शक्ति का एहसास भी हमें काली शक्ति दिलाती है, और शक्ति का विनाश भी काली शक्ति करती है। और तुम और मैं उस काली शक्ति के रूप हैं। हमारे ताकत के सामने कोई भी ताकत नहीं टिक सकती। अब हम दोनों मिलकर अपने मकसद को पूरा करने के लिए ऐसा खेल खेलेंगे, कोई हमें नहीं रोक पाएगा। सुबह हो गई और पता ही नहीं चला, अलार्म तो बजा ही नहीं। ये घड़ी तो रुकी हुई है, कहीं चिराग ने तो रात को। नहीं गई, यही है। आपको पता है रात को कितना मजा किया मैंने और काम्या मैम ने? उनने मुझे अच्छी से स्टोरी सुनाई और हम दोनों ने बहुत मस्ती की, बहुत बातें की। उन्होंने मुझे बताया। चिराग कितनी बातें करते हो, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, स्कूल नहीं जाना है तुम्हें, चलो उठो उठो। अब मैं चलती हूँ। थैंक यू काम्या जी, आप चिराग के लिए जो कर रही हैं वो। मिस्टर पुरोहित, थैंक यू तो मुझे आपसे कहना चाहिए कि आपने मुझे चिराग के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका दिया। एंड यस, जाते जाते मैं आप दोनों से कुछ कहना चाहती हूँ। जी कहिए। एज अ साइकियाट्रिस्ट, जितना मैंने चिराग को जाना है, मुझे लगता है कि आप दोनों को चिराग को लेकर इतना ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना चाहिए। अब तो आपको मुझ पर इतना यकीन हो ही गया है कि मैं चिराग का ध्यान रख सकती हूँ, बस उसे थोड़ी सी आजादी दे दीजिए। आजादी का मतलब हम अपने बच्चे से कुछ ना कहें, उसका ध्यान ना रखे, उसे ऐसे ही छोड़ दें? पर ध्यान रखने का मतलब ये तो नहीं कि आप इसके साथ स्कूल में भी साथ में रहें। चिराग को लेके इतना ज्यादा ओवर पोजेसिव, इट्स नॉट ओके। देखिए, एक बच्चे को उसकी माँ से ज्यादा और कोई नहीं समझता है, इसलिए मैं उसके साथ स्कूल जाऊंगी और उसके साथ ही वापस आऊंगी। पर विद्या, काम्या जी has a point. As parents, हमें चिराग के साथ ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना चाहिए। देखिए देखिए, आप लोग मेरी वजह से बहस मत कीजिए।
बस मैंने जितना कहा है उसके बारे में सोचेगा जरूर, चिराग की भलाई के लिए। ओके चिराग, स्कूल में मिलते, बाय। बाय मम्मी, अब मैं भी स्कूल के लिए रेडी होने जा रहा हूँ। रुको विद्या, देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हें काम्या जी की बात पसंद नहीं है, पर वो जो कह रही हैं वो गलत भी तो नहीं है। नहीं, गलत तो मैं, यही लगता है ना आपको? पप्पू, देखो तुम बात को गलत समझ रही हो। सीधा थिंग इज कि तुम इस मुद्दे को एक माँ की नजर से देख रही हो और काम्या जी इसे एक साइकियाट्रिस्ट के व्यू पॉइंट से देख रही है, और मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। पर मैं नहीं। व्हाटएवर विद्या, I have decided, आज से चिराग को स्कूल छोड़ने तुम नहीं, मैं जाऊंगा। नहीं देवा, चिराग के साथ स्कूल मैं जाऊंगी। विद्या, I said no, चिराग के साथ स्कूल मैं जाऊंगा, and that is final. घर में कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा है, आप भी इसी तरह इग्नोर कर रहे हैं, रात भर घर भी नहीं आए, पता है कितनी चिंता हो गई थी मुझे। आपको भी अब मुझसे बात नहीं करनी है ना? ना से। पर नाश्ता तो कर लीजिए, मैंने अपने हाथों से बनाया। अल्पेश प्लीज, आप मुझसे नाराज है ना, तो मुझे डांटिए, मुझे मारिए, प्लीज मुझे इग्नोर मत कीजिए। इस घर में आपके अलावा मेरा कोई भी नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। एक बार कह दीजिए आपने मुझे माफ कर दिया। तुमने जो किया है क्या वो माफी के लायक है? तुमने हमारे बच्चे को, तुमने हमारे रिलेशन को जिस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, उसके बाद मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अल्पेश, आज मेरी जिंदगी में जो मेरे और अल्पेश के रिश्ते में तूफान आया है, उसके जिम्मेदार सिर्फ चिराग और विद्या है। अरे माधव भाई, जिस स्कूल में अपनी बेटी को भर्ती करवाना चाहते हैं ना, वो बहुत बड़ा स्कूल है, वक्त के बड़े पाबंद है वो लोग। सबसे पहले आपका बहुत बड़ा एहसान मंजूर है जो आपने मुझे यहाँ रुकने के लिए जगह दे दी। कैसी बात कर रहे हैं आप, ये आप ही का घर है, जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं आप, फटाफट तैयार हो जाइए, कहीं लेट ना हो जाए। चलिए पापा, मेरा नया स्कूल गाँव के स्कूल से तो बहुत बड़ा होगा ना, मेरा वहाँ आज ही एडमिशन करवा देना। क्या हुआ पापा, आप मेरी एडमिशन के बात सुनकर परेशान क्यों हो गए? वो क्या है ना बेटा, स्कूल बड़ी है तो फीस भी बड़ी होगी, और मेरे पास इतने पैसे नहीं। तो क्या हुआ, इस स्कूल में नहीं पर दूसरे स्कूल में तो एडमिशन मिल ही जाएगा ना, और इतना बड़ा शहर है तो स्कूल भी कितनी सारी होगी। नहीं बेटा, हम इस बड़ी स्कूल के लिए कोशिश तो जरूर करेंगे, क्या पता काम बन जाए। अच्छा बच्चों, क्लास में जाओ। आज तुम्हें स्कूल किसने ड्रॉप किया? पापा। आज तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ नहीं आई, और इसलिए अब से तुम्हारी शक्तियों के रास्ते में कोई मुश्किल नहीं आएगी। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन तुम्हें भी अपनी शक्तियां बढ़ानी होगी। अब तुम फ्री हो, बिना रोके तो तुम कुछ भी कर सकते, कुछ भी। जीप कट गई। मेरी मम्मी कहती है कि अगर कोई बात बोल रहे हो और जीप कट गई ना, तो बात झूठ हो जाती है।
अच्छा लेसन, अब क्लास में जाओ। अचानक मुझे किसी के आने का एहसास क्यों हो रहा है? कोई तो है जो हमारी शक्तियों से मुकाबला करने आ रहा है। मैडम आपको स्टाफ मीटिंग के लिए बुलाया गया है। ओके जी। इतने बड़े स्कूल के हेडमास्टर से मैं कैसे बात करूंगा बेटा? क्यों नहीं कर सकते? वो हेडमास्टर जी अम्बे माँ से बड़े थोड़ी हैं। जब मैं अम्बे माँ से बात कर लेती हूँ, आप वो हेडमास्टर से बात क्यों नहीं कर सकते? तुम यहाँ बैठो, मैं हेडमास्टर जी से बात करके आता हूँ। अपने साथ दोस्ती करोगे? दोस्ती तुमसे? नो वे। अच्छा बोलो तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? जो कहोगी वही गिफ्ट दूंगा। जो भी कहूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो मुझे एक रेड रोज चाहिए। सिर्फ रोज? वो तो मैं अभी लाके दे दूंगा। पर वो वाली नहीं जो शॉप में मिलती है, स्कूल के गार्डन में जो रोज लगी है ना, वो मुझे चाहिए। वो रोज अभी लाता हूँ। सोच लो अगर रोज तोड़ते तोड़ते पकड़ा गए तो क्या होगा? टीचर पनिश करेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, भी तुम्हारे लिए गार्डन से रोज लेके आता हूँ। ये तो टूट गया, दूसरा लेकर आना पड़ेगा। अब मैं बुलबुल को एक नहीं बहुत सारे रोज़ दूंगा।
मेरी टीचर हो, तुम मुझे ऐसे डांट रही हो? ये मेरा स्कूल है, मैं कुछ भी करूं, तुम्हें क्या? अभी बताता हूँ तुम्हें।